हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे चिल्ली चीज़। उसके लिए हमें कुछ आइटम्स चाहिए जो आपको घर में ही इजीली मिल जाएंगी और आसानी से आप घर में स्पाइसी चिल्ली चीज़ बना सकते हो। तो उसके लिए चाहिए हमें शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर। तो पहले इन सभी को रेडी कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को लंबा लंबा काट लेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे जब पनीर बन के तैयार हो जाए, और ये खाने में भी अच्छा टेस्ट देता है अगर लंबा लंबा कटा हो। जैसे हम सारे प्याज को काट लेंगे, फिर हम शिमला मिर्च को काटेंगे, उसे भी हम इसी तरह लंबा लंबा काटेंगे। पहले बीज निकाल लें इसके। अब देखो कैसे लंबा लंबा, पूरा पूरा लंबा लंबा काटेंगे। अब हम टमाटर को भी लंबा लंबा काट लेंगे ताकि ये प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और आपस में घुल मिल जाए अच्छे से। और शिमला मिर्च भी हमने लंबी लंबी काटी है ताकि ये भी उसी के बराबर रहे और ये सारे आपस में एक मिल के अच्छा मिक्सचर बने और इनके सारों के फ्लेवर मिक्स हो जाए और ये देखने में भी अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें एक जैसी हों। अब ये हमारा सारा मटेरियल बन के तैयार हो गया है, बस अब तड़का लगाने की देरी है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो मसाले हैं जो घर में इजीली मिल जाएंगे वो यूज़ करेंगे हम। जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अब तेल कर लेते हैं गरम। हमारी प्याज जल गई है, इसको कर लेंगे हम धीमी आंच पे। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि तेल में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लग पड़ा है, यानी कि हमारा तेल पक गया है। अगर ऐसा ना हो तो तेल कच्चा रह जाता है, बाद में जो खाने में उसकी स्मेल आती है। तब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को थोड़ा भून लें, फिर हम जब जैसे भून जाए हम डाल देंगे इसमें प्याज। अच्छे से हिला लें इनको ताकि इनमें तेल अच्छे से रस जाए, तभी स्पाइसी बनेगा ये। तभी तो मैंने बोला था लंबे लंबे प्याज काटने चाहिए। देखिए कितने मस्त लग रहे हैं। अभी गैस धीमी ही रखें क्योंकि एक बार ज़्यादा आंच पकड़ ली तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब इनको तब तक गर्म करें जब तक ब्राउन ना दिख जाए। आपको लगे कि प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग पड़े हैं तो फिर इसमें हम टमाटर डाल सकते हैं। हमारे प्याज अब ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगा।
अच्छे से मिक्स कर लें इसे, ताकि आपको इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। हम इनको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर भी आज अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप सबने ये देखिए। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे सारे मसाले डाल दूंगा। पहले डालेंगे हम हल्दी, हल्दी डाल दी 2 से 3 चम्मच। अब डालेंगे गरम मसाला, ये डाल दिया गरम मसाला 2 से 3 चम्मच। अब ये धनिया पाउडर है 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, और आप नमक आप तेज खाते तो तेज डालें, कम खाते हो तो कम डालें, 1 और 2 चम्मच नमक। अब सारे मसाले डाल दिए, ये देखिए सारे घर के मसाले डाले मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला इसमें। अब ये आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लगा देंगे थोड़ा सा पानी, अब इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह से कट जाएगा, ग्रेवी जैसा बन जाएगा, तब इसमें डालेंगे बाकी सब्जियां और पनीर, शिमला मिर्च और पनीर। तो इसको तब तक कड़ने देते हैं। आप देख सकते हैं अभी देखो क्या मस्त ग्रेवी बन गई है, जब सारे मसाले डाल दिए टमाटर प्याज के बीच, और जब उनको अच्छे से गाढ़ा दिया। जब आपका ऐसा राड़ा बन जाए मसाला पूरी तरह से कड़ा हुआ, तो फिर आप उसमें पनीर और शिमला मिर्च डाल सकते हो। तो पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च, इसको मिला लेंगे अच्छे से। डाल देंगे इसमें पनीर साथ में ही, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, ये खाने में तो और भी ज्यादा लजीज होगा। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए कितना रसीला है, अभी थोड़ा पका लेते हैं इसको। और ये हमारा चिली चीज बनके तैयार हो गया है, ये देखिए कितना स्पाइसी। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो अभी मैं चपाती बना लेता हूँ इसके साथ खाने के लिए। हाँ अब ये बनके तैयार हो गया है, खाने के लिए रेडी है, और मैंने चपातियाँ बना ली हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं घर में बिना किसी एक्स्ट्रा आइटम के, घर के सामान से ही चिल्ली चीज, और मज़ा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।